नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ मानसी श्रीवास्तव। वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे अनोखी मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और मान्यताएं। वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा अनूठी है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि यही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही खीर बनाकर उसे आकाश के नीचे रखा जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व और पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय 23 अक्टूबर की शाम 5:20 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2018 की रात 10:36 पर प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि 24 अक्टूबर की रात 10:14 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद इष्ट देवता की पूजा करें। फिर भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब धूप बत्ती से आरती उतारें। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा करें और आरती उतारें। अब चंद्रमा को अर्घ देकर प्रसाद चढ़ाएं और आरती करें। अब उपवास खोल लें। रात 12 के बाद अपने परिजनों में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। शरद पूर्णिमा का चमकीला चांद और साफ आसमान मानसून के पूरी तरह से चले जाने का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिनमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस शरद पूर्णिमा भगवान अपनी कृपा आप सभी पर बरसाएं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।